सो हेलो गाइस वेलकम टू बी बिलिंग एंड मैं प्रीति शर्मा तो भैया वीडियो जो है कंटिन्यूएशन तो में चल रही है हमारा लेबर लॉ 2 जो है चल रहा था उसके अंदर हमारा आज का जो है नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला वो है डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो भैया क्या है ये भला ये देख लेते कह रहा है एज अ जनरल रूल द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्कमैन डज नॉट कमेंस अंटिल ही हैज रीच द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट कंटिन्यू व्हेन ही हैज लेफ्ट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट

टू और फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर दे आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज कोई भी समझ नहीं आया होगा देखो फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि तुमने आ, किसी को काम पे रखा हुआ है ठीक है अब भाई वो आ, वहाँ पर जहाँ वो काम कर रहा है वहां तक तो चलो उसकी लाइबिलिटी बनती है अगर उसे कुछ हो जाता है इंजरी हो जाती है कुछ भी हो जाता है तो एम्प्लॉयर जो है लाइबल है उसे पैसे देने के लिए मतलब कंपनसेट करने के लिए ठीक है लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने जो है कोई गाड़ी भी दे रखी है कि भैया वो गाड़ी जाएगी बंदे को घर से उठा के लाएगी फिर वापसी छोड़ने जाएगी तो उस जहाँ पर वो काम कर रहा है उससे बाहर निकला ना वो सड़क पे लेकिन गाड़ी किसकी थी एम्प्लॉयर ने दी थी मतलब उस एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट हुआ ना वो तो यही तो कह रहा है वो कि तुम ये नहीं कि उस दहलीज के अंदर उस चार दीवारी के अंदर ही तुम्हारे जो है वो राइट्स बनते हैं मतलब उस गाड़ी में भी राइट बनेंगे मतलब तुम बाहर निकले तो भी तुम्हारे जो है एम्प्लॉयमेंट के राइट वहां पर रहेंगे कि अगर तुम्हें कोई इंजरी हो जाती है उस गाड़ी के अंदर एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल हो जाएगा वही कह रहा है एम्प्लॉयर गिव्स कन्वेंस टू एम्प्लॉई लाइक अ कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एम्प्लॉई इज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइटल फॉर कंपनसेशन समझ आ गया अब तो ये था जी हमारा नोशनल एक्सटेंशन <laughs>

मतलब गाड़ी चल रही है वो छोड़ने जा रहा है गाड़ी वाला उसे घर पे और पीपा के बैठा कहता है ओ मस्त लग रहा है भाई दरवाजा खोला और कूद गया बाहर कोई की गयािटी नहीं बनती <laughs> कितने कितने अजीब एग्जाम्पल देता हूँबीडियंस ऑफ वर्कमैन ठीक है जी कोई भी उसने बोला था कि ऐसे ऐसे करना है उसने वो नहीं माना तो वो चीज हो गई विलफुल डिसकमैन ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड तो वही सारे पीछे वाले पॉइंट हो गए uh, <laughs>

रेलिवेंट फैक्टर मतलब कि और अमाउंट टू ट्वेंटी थाउजेंड विच एवर इज मोर मतलब कि अगर उसकी मंथली वेजेस का 50%, से ज्यादा बन रहा है तो वो दे देंगे वरना जो बीस हजार तो उसे देना ही देना है ठीक है जी तो जो भी ज्यादा होगा इन दोनों में से वो अमाउंट उसे मिल जाएगा मतलब उसका पचास परसेंट कितना हो गया पचास हजार हो गया तो उसे पचास हजार जो है उसे एज अ वो कंपनसेशन है कम्पनसेशन प्लस एनी रेलिवेंट फैक्टर कुछ भी एड ऑन हो सकता है उसमें ठीक है जी वो चीज हो गई तो पचास हजार उसे देने पड़ेंगे लाइबिलटी हो गई उसकी किसकी वर्क एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर की जिसने उसे काम पर रखा है अब अब अगर फॉर समझ लो कि उसकी तनखाई जो है वो तीस हजार है ठीक है अब उसका कितना हुआ पंद्रह हजार तो क्या वो पंद्रह हजार देगा कंपनसेशन ना बीस हजार देगा तो यही तो कह रहा है अगर तुम्हारा बीस से ऊपर बनता है अमाउंट तो वो कंपनसेशन हो जाएगा 50% मतलब वेजेस का और अगर बीस से नीचे बनता है तो बीस तो तुम्हें दे नहीं देने ही देने ठीक है जी एग्जाम्पल था सीरियस मत ले लेना कहीं सोचो यार कौन से उसकी एक लाख होती है <laughs> चलो वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी एंड अमाउंट मतलब जहां पर टोटल डिसेबलमेंट हो गई है किस वजह से इंजरी जो भी हुई है उस वजह से कह 60 परसेंट ऑफ मंथली वेजेस इंटू रेलिवेंट फैक्टर या फिर एक लाख चालीस हजार विच एवर इज मोर ठीक है जी तो यही चीज हो गई कि अगर आ, 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 टोटल डिसेबलमेंट हुई है इंजरी की वजह से उसके काम जब वो कर रहा था वहां पर तो मंथली वेजिस के 60% आ, या फिर एक लाख चालीस हजार विच एवर इज मोर तो वही पीछे वाला की तरह से भी संभाल लेना

उसकी होनी चाहिए इक्वल टू दी 25 परसेंट ऑफ मंथली वेजेस मतलब कि हाफ मंथली इंस्टॉलमेंट उसे देनी है किसने एम्प्लॉयर uh, ने उसे एज अ कंपनसेशन कितना होगा वो अमाउंट 25 परसेंट ऑफ मंथली वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट और फाइव इयर्स विच इज शॉर्टर मतलब कि जब तक जो है उसके डिसेबलमेंट का पीरियड चल रहा है तब तक उसे एक इंस्टॉलमेंट में जो है पच्चीस ऑफ मंथली वेजेस जो है देने हैं और फाइव ईयर्स विच इज शॉर्ट टर्म मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसके डिसेबलमेंट चली दस साल गई तो दस साल तक देता रहेगा वो इंस्टॉलमेंट उसको पागल हो जाएगा तो मैं मैं तो लुट गया नहीं तो पांच साल या फिर उससे कम जितने भी डिसेबलमेंट चलती फॉर एग्जाम्पल डिसेबलमेंट दो साल तक चली तो दो साल तक देगा वो अगर चार साल तक चली तो चार साल तक देगा लेकिन पांच से ज्यादा नहीं हो सकता मंथली इंस्टॉलमेंट अब ये हो गया जी अब डिस्ट्रीब्यूशन hmm. ऑफ में कंटिन्यू रखू रखे रखते क्योंकि का पार्ट नहीं है। फिर तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर आ जाता है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन कंपनसेशन किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सेक्शन आठ कह रहा है एनी अमाउंटिंग टू नॉट लेस दस रूपीज विच इज पेबल एज कंपनसेशन बी डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एंड टाइटल देयर टू तो वही चीज़ों की को कोई भी कम्पनसेशन अमाउंट दस रुपये से कम नहीं होना चाहिए दस रुपये से ज़्यादा होना चाहिए उसे जो है अपना कमिश्नर को जो है वो दे देना और जो भी पर्सन एंड टाइटल होगा उसे वो दे जाएगी बात में कह रहे द रिसीट ऑफ द कमिश्नर शेल बी सफिशेंट सफिशेंट डिस्चार्ज इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी कम्पनसेशन डिपॉजिटेड विद हिम तो कमिश्नर जो है वो रिसीट देगा कि हाँ भी मुझे इसने एम्प्लॉयर ने इतने तो पैसे जमा कर दिए अब ये जो है मुझे उसे देने हैं तो ये रसीद उसने दे दी एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयर अब लाइबिलिटी से खत्म हो चुका वेयर कम्पनसेशन डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर इज पेबल टू एनी पर्सन कमिश्नर शेल पे दी मनी टू द पर्सन एंड टाइटल देयर टू वही चीज़ हो गई अगर कम्पनसेशन का अमाउंट किसी पर्सन को देना तो वो कमिश्नर पर्सन को दे देगा इन द केस ऑफ

मतलब सारा मुद्दा कमिश्नर का है कमिश्नर है कौन क्या कैसे अपॉइंट होगा वो बाद में देखेंगे इन द केस ऑफ हाफ मंथली पेमेंट द कमिश्नर मे ऑर्डर दैट द पेमेंट बी मेड ड्यूरिंग द द द डिसेबिलिटी टू टू डिपेंडेंट ऑफ वर्कमैन और एनी अदर पर्सन द कमिश्नर थिंग बेस्ट फिटेड टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन वही चीज होगी जो भी बेस्ट फिटेड डिपेंडेंट होगा उसको जो कमिश्नर वो पैसा दे देगा वो कमिश्नर देखेगा कि कौन उसका बेस्ट फिटेड जो है वो डिपेंडेंट बन के आता है चलो जी यही रखते हैं इस वीडियो को और पॉइंट ऑफ कमिश्नर कंटिन्यू रखा हूँ बस डालूंगा अलग अलग ठीक है जी तो यही था इस वीडियो को वीडियो अच्छी लाइक वाइट लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक रीज़न दे जाएगा क्योंकि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी ताकि उस चीज को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सको बाकी भे कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वरी डाउट है वहाँ पर कमेंट करिए मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की डिस्क्रिप्शन खोल के देख लूँगा करूँगा वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्स जो लिंक दिए हो जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक जिसके थ्रू टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं या फिर